अब आरजेडी की तरफ से दावा किया गया है नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। नायडू नीतीश पर आरजेडी नेता मनोज झा का यह बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि नायडू नीतीश बदले की राजनीति के पक्ष में नहीं है। आरजेडी की तरफ से यह बड़ा बयान आ रहा है। इस पूरे चुनाव अभियान की जो नेता प्रतिपक्ष बार बार बोले कि 4 जून के बाद हो सकता है नीतीश जी भी बड़ा फैसला ले, क्योंकि नीतीश जी या चंद्रा बाबू ये व्यक्ति केंद्रित विमर्श के वेंडेटा पॉलिटिक्स के बदले की राजनीति के पक्ष में कभी नहीं रहे। हमने दोनों के साथ काम किया है और नेता प्रतिपक्ष बार बार कहते रहे कि एक बड़ी तस्वीर आएगी। राजीव रंजन जी आप कह रहे थे मीडिया की बातें, लेकिन दरअसल तेजस्वी यादव ने ही शुरुआत की थी ना इसकी, जब वो बोले कि सामाजिक न्याय के प्रति चाचा कोई भी निर्णय ले सकते हैं 4 जून के बाद। अब मनोज झा उस बात को रिपीट कर रहे हैं। शरद पवार ने भले कह दिया कि उनकी बात नहीं हुई है, लेकिन ये साफ है कि नीतीश कुमार सबके निशाने पर हैं। लेकिन श्वेता मजे की बात यह है कि जेडीयू पार्टी का कोई बड़ा नेता खुलकर सामने क्यों नहीं अपना स्पष्टीकरण दे रहा है? बाकी पार्टी के सबने दिया है स्पष्टीकरण, पर स्पष्टीकरण पर कितना विश्वास? जी जी देखिए श्वेता जी, सबसे पहली बात तो ये कि तेजस्वी जी तो सभाओं में ये पहले से बोल रहे थे, 5 लाख नौकरियों का दावा कर रहे थे, जातीय सर्वे किया दावा कर रहे थे, सरकार की तमाम उपलब्धियों को अपने खाते में रखते हुए नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़े करते हुए वो बार बार ये कह रहे थे कि चाचा जी भी उनके साथ आ गए। ऐसे दोहरे मानदंड को जनता ने नकारा और परिणाम आपके सामने है। अगर वो अपने जो इंडिया का जो एजेंडा है, जो आरजेडी की प्राथमिकताएं थी, उनके आधार पर अगर वो विमर्श पर बात करते तो निसंदेह वो कुछ बेहतर उम्मीद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बार बार लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। और एक बार फिर उनकी पार्टी के नेता या जो उनके अलायंस के जो बाकी दूसरे घटक दलों के नेताओं के जो बयान है, उनका लगातार इस तरह का जो बयान है, दरअसल देखिए इस जनादेश को आपने सही कहा, ये सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ है। एक पहली इस देश की आजादी के बाद पहली गैर कांग्रेसी सरकार जिसको तीसरी बार जनादेश जनता ने दिया नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार बनाने, दूसरी तरफ एक सबल और सशक्त विपक्ष भी इस जनादेश से उभर कर किया है। ठीक है, अब तस्वीर आ रही है वो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, हाजीपुर से चिराग पासवान, उनकी माँ एक तरफ उनकी खड़ी है। रामविलास जी के बिना इस बार चुनाव लड़ते हुए देखिए, पिछली बार बड़ा मनमुटाव हुआ था, रामविलास पासवान की विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा? अपनी माँ के साथ चिराग पासवान इस समय अपने घर की बालकनी में और मुस्कुरा, उन्होंने जैसे नेहा आपने भी कहा ना कि बड़े नेताओं की तरफ से, तो चिराग पासवान की तरफ से स्पष्ट आ चुका है और उनके बहनोई भी जो चुनाव लड़े थे इस बार बड़ा, और उन पर विश्वास प्रधानमंत्री ने जताया था। 5 सीटें यहाँ पर एलजीपी के खाते में दिखाई दे रही है, ट्रेंड ये बता रहे हैं, और हाजीपुर सीट से में जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं चिराग पासवान। उसी जीत का जश्न अब शुरू हो चुका है, मां को गले लगाते हुए चिराग पासवान यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अपनी परंपरागत सीट जमुई को छोड़कर यहाँ हाजीपुर से चुनाव लड़े वो, और उन्होंने कहा कि पिता की विरासत को और पिता के ही नाम को यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहता हूँ, कि यहाँ की जनता हमारे परिवार को चाहती है, प्यार करती है। और पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं, उनसे कितना बड़ा मनमुटाव हुआ, उसके बावजूद वो अपने पूरी पार्टी को एक साथ एकजुट रखकर काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। और ये देखिए अब रंग से भी वहां पर जश्न मनाया जा रहा है, चिराग पासवान अपने बहनोई के साथ यहाँ रंग खेलते हुए, क्योंकि दरअसल श्वेता आप तो बिहार से आती हैं, वहां पर हर चीज का जश्न रंग के और मिठाई के साथ ही शुरू और खत्म होता है। देखिए हाजीपुर वो सीट है जहां से रामविलास पासवान एक युवा नेता के तौर पर उभरे थे और सबसे बड़ी मार्जिन से जब वो चुनाव जीते थे, उसके बाद एक नया विवाद हो गया था, उन्होंने कह दिया था ऊपर भगवान नीचे पासवान, जिसके बाद उन्हें वोटरों का गुस्सा का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद से कभी डामाडोल नहीं हुए। उनको लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि हमेशा उनको परख रहती है किसकी सरकार आ रही है। जब चिराग पासवान ने ये निर्णय लिया कि वो प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहेंगे, उसके बाद से भले नीतीश कुमार से उनका मनमुटाव रहा, कहा गया इस बार हाजीपुर की सीट पर लड़ते हुए नीतीश कुमार के पारंपरिक वोटर उस तरफ नहीं गए, लेकिन अभी नतीजों को रुझानों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो सब एक चुनावी आकलन था
और अभी जेडीयू भी अपनी सीटें अच्छे तरह से जीतती हुई दिख रही है, जो इनको तो 100% का स्ट्राइक रेट इनका है ही, लेकिन के शर्मा जी परेशानी हो रही है ऐसी बातें सुन के कि बार बार नीतीश कुमार का नाम लेके ये कहा जा रहा है कि वो तो एनडीए को छोड़ने वाले हैं। नहीं नहीं, ये सब एक राजीव रंजन जी ने बड़ी स्पष्टता से एक बात कही कि इस तरह की अफवाहें फैलाना या भ्रम की स्थिति पैदा करना ये कांग्रेस और अन्य दलों का काम ही रहा है। इन्होंने पूरे चुनाव भर में क्या किया, भ्रम और यही तो फैलाया, यही कहते फिरे कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है आज, और ईवीएम की जो है ऊपर आरोप यही लगाते फिरे, आज ईवीएम का नाम नहीं ले रहे हैं, मतगणना काउंटिंग को लेके चुनाव आयोग पे कितने प्रश्न उठाए, आज उसका नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये भ्रम की राजनीति करने वाले हैं। थोड़ा बहुत भ्रम एक दो राज्यों में हुआ है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि एक दो राज्यों को छोड़ दें तो उसके अलावा तो हमने ही फुटप्रिंट नए तय किए। केरल में हमने अपने जो है खाता खोला, तमिलनाडु में हमने खाता खोला, हम हिमाचल पूरी तरह रिपीट कर गए, हम जम्मू कश्मीर में अपने पुराने परफॉर्मेंस में रिपीट कर गए, हम उत्तराखंड में पुराने जितनी सीटें जीते थे उतने रिपीट कर गए, मध्य प्रदेश में हमने सीटें बढ़ाई, छत्तीसगढ़ में हमने सीटें बढ़ाई, उड़ीसा में हमारे नए खाते खुले, आंध्र प्रदेश में हमारे नए खाते खुल रहे हैं, तेलंगाना में हमारी सीटें बढ़ रही हैं। तो आप यदि ओवरऑल देखेंगे तो ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता जैसी थी वैसे ही है और वैसे ही रहेगी, और आगे 5 साल हम इसी में सरकार में पुनः जो है जो छोटी मोटी कमियां हैं उस पर विचार जरूर करेंगे। ऐसा पार्टी हम नहीं है कि हम हवाओं में रहने वाली पार्टियां नहीं है, हम ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पार्टी है, केडर बेस्ड पार्टी है, हम पूरी तरह से उन दो राज्यों में जहां कमियां रही हैं उस पर हम विचार मंथन भी करेंगे क्या कारण है, लेकिन हम जो है तीसरी बार जो सरकार बना रहे हैं और जो हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से वादा किया है कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में डेवलपमेंट करना है, रोजगार की विषय लेकर आना है, लोगों को रोजगार देना, वो सारे चीजें हम पूरा करने वाले। हमने कहा है कि 70 वर्षों से ज्यादा के लोगों को हमने हम जो है आयुष्मान भारत के तहत जो है फ्री इलाज का वो देंगे, हम बिजली फ्री करने की हमने बात की है, तो ये सारी योजनाएं हमारी चलने वाली है। बाकी इनको कयास लगाना, अफवाहें फैलाना, इधर उधर और करना, ये सारी योजनाएं आपने इस बार भी दरअसल के शर्मा जी कही थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहां पर आपके लिए शायद कहीं ना कहीं आत्ममंथन की जरूरत है कि 2029 में कैसे उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का आंकड़ा आप बेहतर कर पाएंगे।